तो ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर ये सवाल है कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए सर्टेन इंडक्टर, अगर अपने पास कोई यहाँ से इंडक्टर है और जब मैं इसको एसी सोर्स से कनेक्ट करता हूँ, तो हम सबको पता है इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर होती है, और उसकी जो एनर्जी की फार्मूला है हाफ इंडक्टेंस एल करंट आई का स्क्वायर उस वक्त आई आर एम एस, ठीक है ना। ये तो करंट इंडक्टर जो है 60 मिली एम्पीयर, ये तो इंडक्टर ऑफ द इंडक्टेंस एल निकालना, यहाँ पे एनर्जी दिया हुआ है तो एल निकालना, तो यहाँ से जो एल की वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स एनर्जी अपान यहाँ से करंट का स्क्वायर आ जाएगा। तो एल निकालने के लिए आप यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 एनर्जी यहाँ से कितनी है, 25 यहाँ से मिली जूल है, 10 की पावर -3, और डिवाइडेड बाई करंट का स्क्वायर, तो करंट यहाँ से 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3, और 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 मिली जूल है। तो ये -3 से ख़त्म हो गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से तुम देखोगे 1 0 से 1 2 0 से यहाँ से ये ख़त्म हो गया और 10 की पावर -1 बचा, और यह 25 दूना 50, ये 500, ये ऊपर गया और यहाँ से 36 बचा, ठीक ना। तो जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो फाइनली देखो यहाँ से एल आएगा, हाँ यहाँ से जो एल आएगा दैट इज 500/36, तो यहाँ से 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 13.89 हेनरी आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन अपना मैच कर जाता है। थैंक यू।